बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले हक टीवी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको आगाह किया था कि अफगान तालिबान ने पूरे काबिल का मुहासरा कर लिया है। अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान काबिल में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। अफगान वजीर दाखिला की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि अफगान तालिबान मुकम्मल घिराव करने के बाद काबिल में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की जा चुकी है। उन्होंने अपने ताज़ा तरीन दिए जाने वाले बयान में कहा है कि तमाम बैंक्स, ताजर बिरादरी, दुकानदारों और शहरियों को हरगिज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अफगान हुकूमत के साथ बातचीत भी जारी थी मगर कोई खातिर ख्वाह नतीजा ना निकल सका। उन्होंने ये कहा कि हम पुरअमन हल चाहते हैं, अशरफ गनी को हुकूमत छोड़कर हर सूरत में घर जाना होगा और इक्तदार पुरअमन तरीके से हमारे हवाले भी करना पड़ेगा। दूसरी जानब अमेरिका की जानब से अफगानिस्तान में मौजूद अपने सफारत खाने को ये हुक्म जारी किया है कि वो अफगान तालिबान की काबिल की तरफ पेश कदमी को मद्देनज़र रखते हुए सफारत खाने में मौजूद तमाम हसास मवाद को नाकारा बना दें। अमेरिका समेत दीगर नेटो ममालिक को काबिल की गिरती हुई सिक्योरिटी से कोई सरोकार नहीं है और ना वो अफगानिस्तान के शुरू हुए से कोई खैर ख्वाह थे। बावसूक ज़राए से ये खबर मौसूल हुई है कि अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क से फरार होने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी की इस वक्त सदारती जहाज़ में अपनी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। अफगान तालिबान के स्पेशल बदरी 313 कमांडोज को काबिल के हसास तरीन ऑपरेशन का टास्क भी दिया जा चुका है। चाइना के बाद अब बरतानिया भी बहुत जल्द अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है। ताज़ा तरीन अपडेट से बाखबर रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट अब तक पहुँचती रहे।